Hello everyone, welcome to Sriram's IAS official channel where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkar and in this particular session we will be discussing the important articles of uh, 4th of April 2023. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट वी ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसोसिएटेड होते हैं लास्ट यू पी एस सी जितने भी साल मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है लास्ट दस साल के जो भी सेगमेंट जो भी टॉपिक आप करंट में कवर कर रहे हो उससे एसोसिएटेड यू पी एस सी ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन पूछ चुकी है हम उसको भी साथ साथ जो है इसी सेशन में देख लेते हैं ताकि आपकी डायरेक्शन को एक अप्रोच मिले और ये जो सेशंस हैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे मेंस हो प्रिलिम्स हो और साथ ही साथ प्रिलिम्स प्लस मेंस तो ये सेशन जो है इनकॉर्पोरेट करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को जहाँ पर आपको मेंस फॉर्डर भी मिलता है मेंस एंड रिच कॉन्टेंट उसके साथ साथ मैं आपको मैंशन कर ही देती हूँ कि पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर कहाँ इसको आप लिंक कर सकते हो प्लस आप इसको प्रिलिम्स और मेंस दो प्रिलिम्स पॉइंटर्स भी डेफिनेटली इसमें बहुत होते हैं तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आई बी शेयरिंग दिस विद यू कल जो हमने क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके आंसर्स पहले यहाँ पे आज देख लेते हैं एंड सो देर आर फोर ऑप्शंस पहला क्वेश्चन था दैट वॉज रिलेटेड टू मिक्सड फार्मिंग तो करेक्टरस्टिक्स पूछी हुई हैं मिक्स फार्मिंग की अगर आपको याद हो तो हमने कल भी ऐसे एग्रीकल्चर सेगमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल भी पढ़ा है एक मिशन भी पढ़ा है दैट गोज़ फॉर नेचुरल फार्मिंग उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ये तो न्यूज़ में है और इसी के साथ साथ हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था जो कि दो फार्मिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हुए चार उन्होंने ऑप्शनस रखी इसका मतलब जब आप एग्रीकल्चर डोमेन की बात करते हो तो आपको थोड़ कितने स्टेप लेवल तक जाना चाहिए कोई भी फार्मिंग हो उसकी करेक्टरिस्टिक्स जान लो ये प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज कर पा रहे हैं हम मिक्स फार्मिंग से एसोसिएटेड क्वेश्चन था कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सड फार्मिंग 2012 में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा इसका आंसर है रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टूगेदर इज मिक्सड फार्मिंग सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेसिकली मिक्सड फार्मिंग गोज विद द करेक्टर इन इंडिया वेर एनिमल रियरिंग इज डन एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टूगेदर इफ इट इज़ डन दैट इज मिक्सड Farming. So I think we all know that animal rearing is considered an associate business with the agriculture activities in India right Now many of the aspirants now nah, they, they are confused between mixed farming and mixed cropping. They are two separate concepts. Mixed farming as I mentioned, it means animal rearing plus crops. Let me write it down here for you. So if I'm talking about mixed farming that means animal rearing, प्लस क्रॉप्स दैट इज मिक्सड फार्मिंग राइट सो बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्स क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग मीन्स टू और मोर प्लांट्स आर साइमल्टेनियसली क्रॉप सो मिक्सड फार्मिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग दे आर एंटायरली डिफरेंट है टू और मोर क्रॉप्स की बात हो रही है वहाँ पर एनिमल्स और क्रॉप्स की बात हो रही है मिक्सड फार्मिंग के अंदर ठीक है चलो ये क्वेश्चन जब एज आई एम नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यही क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से एसोसिएटेड और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है क्या हमने एनालाइज किया वो मैं कवर कर चुकी हूँ ये एक रिपीटेशन हो गई बट चलो कोई बात नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जिन्होंने सेशन नहीं देखा अब यहाँ पर देख लो एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ट्वेंटी सिक्सटीन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट्स पढ़ना सारी वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इन टू फाइव कैटेगरीज यहाँ पर एक ये फाइव बन जाता है और रूल्स पूछे हुए हैं तो मतलब आप कोई भी रूल्स हो ना तो उन रूल्स में क्या लिखा हुआ है उसके क्या पॉइंट्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन बन सकता है ये होती है एनालिसिस राइट सेकेंड इज़ रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल दी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली कि ओनली जैसे कीवर्ड सर्टेनली स्टेटमेंट को गलत बना देते हैं तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है फाइव कैटेगरीज भी नहीं है तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाता है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट राइट सो मतलब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर अब देखो इट इज़ बेसिकली इंटू थ्री स्ट्रीम्स तो स्टेटमेंट वन भी गलत हो गई The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. It is mandatory keyword hai. It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. It can be to option D b Galatogia C is the right answer. क्या एनालाइज़ किया जब आप रूल्स पढ़ रहे हो तो आपको रूल्स मालूम होने चाहिए उसमें क्या क्या रूल्स हैं कि सिंपली गवर्नमेंट केम अप विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इससे बात नहीं बनेगी उसमें क्या लिखा है वो मालूम होना चाहिए कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ओनली मैंडेट्री फाइव तो ये नंबर हो गया एक राइट तो ये सब चीज़ें जो है ना जब आप ऐसे क्वेश्चंस बैक टू बैक देखोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट्स फ्रेम करती है अगला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन थ्री डी प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स बायोनिक ईयर्स ऑटोमेटिव इंडस्ट्री रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ना जनरली जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो सारी ही रहती हैं यूजली हमेशा नहीं होगा थ्री डी प्रिंटिंग आई होप सबको पता ही है थ्री डी प्रिंटिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और डिजिटल थ्री डी मॉडल इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो सारी जो एप्लीकेशन दी हुई हैं थ्री डी प्रिंटिंग इज बीइंग वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज सो ऑल दीज पॉइंट्स आर राइट एंड आंसर बिकम्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव दैट मीन्स ऑल दी पॉइंट्स टर्म्स न्यूज़ में जब आती हैं तो यूपीएससी स्टेटमेंट बना देती है कि द टर्म्स वर सीन इन न्यूज रिसेंटली दे आर रिलेटेड टू बस एटलीस्ट इतना पता हो कि कोई टर्म अगर न्यूज़ में है तो वो किससे रिलेटेड है बेसिक है ये तो राइट वनाक्राई पेटिया पेट इटर्नल ब्लू दीज टर्म्स वर रिलेटेड इन न्यूज़ एंड दे आर रिलेटेड टू साइबर अटैक ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है तो यहाँ पर मतलब आई थिंक सबको पता ही होगा ये जो टर्म्स रिलेटेड थी न्यूज़ में ये साइबर अटैक से रिलेटेड है जिन्हें नहीं पता तो अब पता चल गया जैसे वोना क्राई रैनसम वेयर दैट लॉक्स यूजर्स डिवाइज फिर उसके बाद पेटिया इज देयर दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू नेटवर्क्स एंड इंटरनल ब्लू इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर वलनेबिलिटी इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एट सो दीज ऑल आर साइबर अटैक्स तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आज क्या कवर करने वाले हैं अब उसको देख लेते हैं एक झलक डालते हैं उस पर और फिर चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इन डिटेल कवर करने के लिए सो वी आर कवरिंग वी विल बी कवरिंग दीज आर्टिकल्स देर इज अ लिस्ट एंड दिस लिस्ट विल हेल्प यू इन प्रम्स पॉइंटर्स भी हैं मेन्स कॉन्टेंट भी है दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ सोल अभी हमने साइबर स्पेस की भी बात करी साइबर अटैक्स की तो उससे रिलेटेड है ही जी एस पेपर वन से आप लिंक कर सकते हो बशोली पेंटिंग को कहाँ की पेंटिंग है और साथ ही साथ आप प्रिल्स पॉइंटर्स ऑब्वियसली बनते ही हैं फिर उसके बाद एक एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस स्पेसिफिक पार्टनरशिप ये न्यूज़ में है क्यों है वो भी बताऊंगी और पेपर टू से डायरेक्टली इट कनेक्ट्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पॉलिटी सेगमेंट से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए टर्म्स ऑफ ऑफिस कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है ट्रिब्यूनल्स के बारे में पता होना चाहिए राइट फिर है अगला असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है क्यों न्यूज़ में है एवरी थिंग विल बी कवरिंग वेजिटेशन फ्लरा फना सब कुछ इराविकलम नेशनल पार्क जी पेपर थ्री से लिंक कर सकते हो ये दोनों चीज़ें आपकी वही सेम डोमेन में पड़ जाती हैं सेक्शन में मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट रिटर्न्स यूएस की बात हो रही है रिटर्न्स ट्रैफिक इंडियन स्कल्पचर्स तो जीएस पेपर वन से लिंक कर सकते हो कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं वहाँ से सवाल बन सकता है प्रिलिम्स के अंदर ओवरव्यू मिल गया क्या क्या कवर करना है सॉर्टेड है चलिए सो लेट्स बिगिन नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इंफॉर्म दैट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन मे सून बी एग्जेमटेड फ्राम रिस्पोंडिंग टू द क्वेरीज अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में दैट इट वॉज पास इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव एंड दिस लॉ क्या करता है ये लॉ दिस लॉ एम्पावर दिस इंडियन सिटीजन्स टू सीक एनी एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी इट मेक्स गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज मोर अकाउंटेबल एंड मोर रिस्पॉन्सिबल बट यहाँ पर द न्यूज़ इज दैट इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन विल बी एग्जेम्पटेड फ्राम रिस्पोंडिंग टू द क्वेरीज अंडर दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ठीक है एक नोडल एजेंसी है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव जिसका है टू सिक्योर द इंडियन साइबर स्पेस अभी हमने बात करी साइबर अटैक्स की राइट right? तो वहाँ पर ही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू रिस्पॉन्ड टू दी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स व्हेन दे अकर टू टू सिक्योर द इंडियन साइबर स्पेस तो ये नोडल एजेंसी इसलिए इट इज़ ऑपरेशनल सिंस टू तो so, जैसे अभी हमने वाना क्राय पेटिया की बात करी थी तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एमरजेंसी मेजर्स लेती है फॉर हैंडलिंग दी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कोऑर्डिनेशन विद दी साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज कलेक्टिंग एनालाइजिंग डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स फॉरकास्ट एंड अलर्ट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स गाइडलाइंस इशू करना एडवाइसरीज वनरेबिलिटी नोट्स वाइट पेपर्स डेट आर रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी प्रैक्टिस तो बेसिकली साइबर स्पेस में उसको सिक्योर करना इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम है और ये सारे फंक्शन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले करती है ठीक है जीएस पेपर वन से आप इसको लिंक कर सकते हो और प्रिलिम्स में पेंटिंग से एसोसिएटेड यूपीएससी अक्सर सवाल पूछती आई है और अगर कोई पेंटिंग डायरेक्टली न्यूज़ में आ गई तो बता होना चाहिए अब ना यहाँ पर जब आप पेंटिंग्स कवर कर रहे हो ना ध्यान से पेंटिंग्स को देख लो पिक्चर जितनी अपने माइंड में लेकर जाओगे किसी भी चीज़ की वो जब हम बोलते हैं ना पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें बहुत याद रह जाती हैं तो ये यही बात है आपकी भी कोई मेमोरीज होंगी वो पिक्चर्स है ना माइंड में रह जाती है ना तो यहाँ पर भी जब आप पेंटिंग्स की बात कर रहे हो या किसी भी चीज़ की तो उसको लिंक करो जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी जितने ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को याद करोगे उतना आप लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन कर पाओगे राइट अब यहाँ पर एक पेंटिंग है ये पेंटिंग का नाम है बशोली पेंटिंग जिसको राइटिंग थोड़ा सही समझ आई तो ये यहाँ पर लिखा ही हुआ है मैंने जल्दी लिख दिया था बचोली पेंटिंग है इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स मिनिएचर आर्ट स्टाइल आप देख सकते हो यहाँ पर इन मतलब कैसे कलर्स यूज करे हुए हैं और आईज़ कैसे देखो डिपिक्ट करी हुई हैं राइट सो so, इसको भी मैं आगे इसके करेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में बात करूँगी सो मिनिएचर आर्ट स्टाइल के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड रिसेंटली इट हैज़ ऑपटेन्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दैट इज़ जी आई टैग जी आई टैग के बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ तो मेरा एक सवाल है जी आई टैग इज़ वैलिड फॉर हाउ मैनी योर्स ये आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बशोली पेंटिंग के बारे में क्या है ये पेंटिंग कहाँ से ऑरिजिनेट होती है इट औरिजिनेट इन दशोली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ अ रेपटेड स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग जो कि फेमस uh, है फॉर इट्स वेरी विविड एंड पैटर्न बोर्ड लाइन्स कलर्स डीप सेट फेशियल पैटर्न आप देखो कैसे फेसिस को रिप्रजेंट किया हुआ है राइट सो इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग दिस स्टाइल दिस पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग सेवनटीन्थ एंड एटीन सेंचुरी अंडर दैटर्न पैटर्नेज ऑफ लोकल रूलर्स एंड वेल दी मोर्चेंट्स इसके फीचर्स देखो जियोमेट्रिकल पैटर्न हैं ब्राइट कलर्स ब्राउन येलो ग्रीन दे आर हेयर देख सकते हो आप रेड येलो ब्राउन ग्रीन कलर जो हैं आप इस पेंटिंग में देख सकते हो स्टाइलिश फेस हैं काफ़ी है यू कैन हैव अ लुक ओवर आईज अगर आप देखो तो बहुत ही बल्जिंग आईज हैं लार्ज बल्जिंग आईज पेंटिंग से पता चल रहा है ना एंड दीज पॉट्रेट्स द थीम क्या रहती है इन पेंटिंग्स की पोर्ट्रेट्स ऑफ लोकल रूलर्स राधा कृष्णा देखो यहाँ पर राधा कृष्णा की हो गई पेंटिंग सो दीज आर दी थीम थीम्स फ्राम भगवत पुराण यहाँ से लिए जाती हैं uh, तो पेंटिंग की थीम ये रहती है सो दे आर पेंटिड ऑन पेपर क्लोथ और वुड राइट यूजिंग डाइज यूजिंग द नेचुरल पिगमेंट्स तो ये है बशोली पेंटिंग के बारे में अब सवाल आ गया तो आप उसको सही कर सकते हो थोड़ा सा चलते हैं जोग्राफी की तरफ हम कवर कर चुके हैं इसमें से काफ़ी फॉरेस्ट तो जो न्यूज़ में रहते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इम्पोर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स तो वो आपको बताना है तो यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सा फॉरेस्ट कौन सा पार्क कौन सा बायोस्वीर रिजर्व है दैट इज़ हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंकेज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ट्राई टू सॉल्व इट तो जब भी आप किसी टाइगर रिज़र्व नेशनल पार्क की हम बातें करते हैं तो उसके स्पेशल फीचर्स हमेशा कैरी करते हैं ताकि फीचर्स हो गया रूल्स रूल्स में भी क्या है जो उसके कुछ फेमस फेमस की फैक्ट्स हैं राइट तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ आपको समझ आ जाती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हो ये अंडरस्टैंडिंग आती है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई आर्टिकल न्यूज़ में है अब ये मुझे आर्टिकल कितने डेप्थ तक कैरी करना है वो मुझे समझ आता है जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करती हूँ ठीक है ये एक आइडिया रहता है इसीलिए इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम साथ में लेकर चलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली आस्क देंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल to decide on the priority basis the cases pending disposal for more than 10 years तो so, यहाँ पर बात हो रही है अगर tribunal <coughs> i'm sorry i'm sorry. Tribunals की तो ki to cat that is सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम थोड़ा ट्रिब्यूनल्स की बात कर लेते हैं क्या है ट्रिब्यूनल्स ट्रिब्यूनल्स आर बेसिकली quasi जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस They are set up to deal with the problems like resolving the administrative issues, tax related disputes, right? So it performs number of functions determining the rights between the contesting parties, adjudicating the disputes, making an administrative decision, right? Reviewing the decision and so forth. Tribunal jo hai basically, uh, you can say need kya hai? court hai na? So need kya hai tribunal ki? See, we know that in courts uh, there are pendency of cases. So, to overcome that situation that arose due to that pendency of cases in various courts, tribunals have been established. They have been established to reduce the workload of courts.

ट्रिब्यूनल जहां एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन राइट तो मेंबर्स भी वैसे होते हैं उसके अंदर उस रिले, उस स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं सो so, अब यहां पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की उससे पहले ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं पता चला ना केसेस की पेंडेंसी हुई आई आई अबाउट द नीड ट्रिब्यूनल्स वर अर्लियर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अ पार्ट ऑफ इट दे वर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन नाइनटीन अब जब इस एक्ट की बात हो ही गई है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल थ्री ए एंड आर्टिकल 323 बी हम बात करेंगे 323 ए की 323 ए डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 323 बी दिस आर्टिकल डील्स विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात आ गई है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है इट इट एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स एंड कम्प्लेन्स दट आर विद रिस्पेक्ट टू दी लाइक रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ परसन पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स की अगर बात करें अपॉइंटेड टू दबलिक सर्विसिज पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन और अथॉरिटीजर दंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सो बेसिकली जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कंडीशन ऑफ सर्विसज की बात करते हैं ऑफ़ द वन हू आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड अपॉइंटेड टू दब्लिक सर्विसज उनकी विद रिस्पेक्ट टू में वी हैव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन की बात करूं सो बेंच कंसिस्ट ऑफ वन जुडिशियल मेंबर वन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और टर्म ऑफ ऑफिस फोर इयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस एंड देर इज ऑल्सो लिमिट अपर एज लिमिट ये याद में रख लेना दैट इज सेवेंटी ईयर फॉर चेयरपर्सन एंड अपर एज लिमिट फॉर मेंबर इज सिक्सटी सेवन ईयर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद में रख लेना चाहिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी है minimum age requirement is 50 years of a for the appointment, whether it is a chairperson or a member. right, the age limit be raklina. the conditions of the service of chairman and the members, they are same, and they are as same as applicable to the judge of high court. salaries, allowances, conditions of services of the officers and the employers of tribunal, they are specified by central government. पावर्स आपको मैंने बता ही दी हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में क्या क्या पावर्स होती हैं दे एक्सरसाइज जूरिजिक्शन ओनली इन रिलेशन टू सर्विस मैटर्स अगर पूछ लिया जाए और ये टर्म आ जाए तो हमें कभी कभार लगता है ओनली जैसी स्टेटमेंट गलत होती है बट यहाँ पर नहीं है दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस in deciding the cases like right? they are vojo civil procedure court major prescribed procedure and they are not bound by that wo sunte hai. there are proper basically they are guided by the principles of natural justice when deciding the cases right and they are empowered to frame their own rules of procedure and practices then it has been conferred with the power to exercise the same jurisdiction and authority in respect of contempt of itself as a हाई कोर्ट तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 2009 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री द मेंबर्स ऑफ सी ए आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको एक स्टेप खुद से देखना पड़ेगा लेकिन आप करो क्योंकि ये क्या है ना स्पून फीडिंग हमेशा काम नहीं करती है स्पून फीडिंग के साथ साथ योर सेल्फ इंटरेस्ट जब दोनों मिल जाता है ना तो बहुत मतलब वी गो अ लॉन्ग वे राइट मैं सिर्फ इतना सा बता दूँ आप इतना करके चले जाओ खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए खुद से मैप्स खोलना चाहिए खुद से जब मैं एक प्रलिम्स का क्वेश्चन दे रही हूँ तो आप उसके आसपास की चीज़ें जाके गूगल करो राइट right? तो हैव दैट इंटरेस्ट आगे चलते हैं अगला एक आर्टिकल देख लेते हैं रिसेंटली यूके साइन द दी एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांसपेसिफिक पार्टनरशिप सी पी टी पी पी राइट तो इसके बारे में इसके बारे में जानते हैं सी पी टी पी पी इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबको पता ही होगा एफ टी एज आर बेसिकली बिटवीन अरेंजमेंट्स बिटवीन दीज एग्रीमेंट्स आर बिटवीन टू मोर कंट्रीज दैट प्राइमारी

एंड दरुसलम, कैनाडा चिली जापान मलेशिया मैक्सिको पेरू न्यूज़ीलैंड सिंगापुर वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंडिया मेंबर नहीं है ये याद में रख लेना एंड दिस वॉज साइंड बाई दी इलेवन कंट्रीज ऑन एथ ऑफ मार्च 2018। एटीन भी ही हो गया इन चिली इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगी। इट सक्सीडेड द टी पी पी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स विदड्रॉ ये लाइन को होल्ड पे रखो बैकग्राउंड में क्लियर हो जाएगा ये जो इलेवन कंट्रीज के मैंने आपको नाम बताए हैं ना दे आर दी मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन उसके बारे में भी बात करते हैं चलो अब जो दो पॉइंट्स रह गए उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या हुआ था टू थाउजेंड फाइव में एक ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन द स्मॉल ग्रुप ऑफ पैसिफिक रिम कंट्रीज जिसमें ब्रुने चिली न्यूजीलैंड सिंगापुर एंड इट लेड टू दिस फॉर्मेशन ऑफ टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसमें ट्वेल्व नेशन स्टेट्स थे फिर क्या हुआ यूएसए ने विड्रॉल कर लिया तो इलेवन रह गए सो द रिमेनिंग सिग्नेटरीज नोन एज दे कॉन्टिन्यू टॉक्स एंड दे रेफर फॉर्मेशन ऑफ दिस सीपी टीपीपी जिसकी हमने बात करी मैं शॉर्ट फॉर्म ले रही हूं क्योंकि बार बार पूरा नेम आपको पता चली गया और अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में क्योंकि यूके हैज साइंड फॉर दिस एग्रीमेंट राइट और रही बात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन की सो इट इज अ फोरम ऑफ 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एटी नाइन ये कंट्रीज हैं जैसे यहाँ पे चाइना है मेंबर राइट right? ये देखो चाइना इज देयर एंड ये इट ऑल्सो इट प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन थ्रू द एशिया पैसिफिक रीजन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सिंगापुर के अंदर 2016 सिक्सटीन में यूपीएससी ने ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप से कैसे क्वेश्चन पूछा कि एक एग्रीमेंट है ओके अमंग ऑल दी पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया इसका मतलब मेंबर्स पता होने चाहिए ठीक है इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मेरी सिक्योरिटी ओनली ये कीवर्ड है अभी हमने इसको कवर कर लिया है अब थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ईजी है मतलब अच्छे से अभी ये क्वेश्चन आप लेकर जा सकते हो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेट्स हैव अ लुक ओवर इट Just a second. Yeah. Officials recently said that the Forest and Wildlife Department will develop a second native seed nursery at Solabati Wildlife Century. कहाँ पर है ये सेंचुरी तो देख लेते हैं डेली हरियाणा बॉर्डर पे लाई करती है एंड इट लाइज इन दिन डेली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फरीदाबाद एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट सो तो वहाँ ये लाई करती है अरावली हिल रेंज के पास इट इज़ अ पार्ट ऑफ सरिस्का डेली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सो इट रन फ्राम सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान टू डेली रिज अगर यहाँ पे डेसीडियस की बात वेजिटेशन की बात करें ड्राई डेसीडियस फ्लरा में आप देखोगे प्रोसेफिस जुलीफरा विच इज़ अ डोमिनट एक्जॉटिक स्पिश यू इस फीचर से इस स्पिशीज़ की फीचर से सवाल पूछ चुकी है मतलब कि ये एक डोमिनेंट एक्जॉटिक स्पीशीज है नहीं है या इनमें से कौन सी स्पिशीज़ एक्जॉटिक स्पिशीज़ है इन्वेजिव स्पीशीज है तो ऐसे ये जो टर्म्स आपके लिए लिखी होती हैं ना ये इंपॉर्टेंट हैं पूरी लाइन्स इसीलिए एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड इज इम्पोर्टेंट कहीं से भी सवाल बन सकता है बस वो है ध्यान से सुनने वाली बात है ओके डायस्पायरस मॉन्टेना आर द डोमिनेंट नेटिव स्पीशीज इन सेंचुरी गोल्डन जैकल एंड हाइनाज और स्नेक्स लेजर्ड मोंगूज ये सब आपको देखने को मिलेंगे अरावली हिल्स की बात करूँ सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड इट रन इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्राम स्टार्टिंग नियर डेली टिल गुजरात हाइएस्ट पीक गुरुशिखर तीन मेजर रिवर्स हैं जो ऑरिजिनेट करती हैं फ्रॉम अरावली हिल्स बानस साहेबी लूनी रिवर इम्पॉर्टेंट है रिवर्स यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है तो मेक श्योर sure कि आपको ये मालूम हो ट्वेंटी ट्वेल्व में यूपीएससी ने पूछा विच ऑफ दी अबव आर डिक्लेयर टाइगर रिजर्व मैंने जब भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है जिसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है तो कब किया रहता है ना वो भी बताती हूँ कि इस ईयर में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया इस ईयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया टाइगर रिजर्व तब डिक्लेयर किया तो ये इंपॉर्टेंट है बांदीपुर भितरकनिका का मानस सुंदरबन विच ऑफ दी अबोवर डिक्लेयर टाइगर रिजर्व तो ये मालूम होना चाहिए आंसर बताना इन दी कॉमेंट सेक्शन ठीक है नेक्स्ट इन न्यूज इज इराविकुलम नेशनल पार्क अब ये नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में है उसको कवर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इराविकुलम नेशनल पार्क ऑफिशियल्स फरनेरियम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विद इन द पार्क एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट सच फोन कलेक्शन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड आप ये तस्वीर देख सकते हो तो यहाँ पर पहले ये जो टर्म है ना फर्नेरियम अब ये न्यूज़ में आ गया है तो इसको देख लेते हैं ये क्या है It is a type of botanical garden or a greenhouse that specializes in cultivating and displaying various species of ferns. Uh, fern species matlub fern species basically epiphytic family ka part hai. Ye naturally they grow in a soilless condition. These plants obtain water and nutrients through leaching. फ्रॉम द ट्रीज राइट तो यहाँ पर दीज फोन्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स इनको दे ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते और सीड्स बट ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्ट्स अभी जैसे मैं क्योंकि ये सारे फीचर्स किसके हैं एपिफाइटिक फैमिली एपीफाइट बेसिकली वो प्लांट होता है दैट डज नॉट प्लेस रूट्स इन द ग्राउंड बट इट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट्स तो ये यहाँ देखने को मिला अब इराविकलम नेशनल पार्क कहाँ हैं केरला में इधर देख सकते हो आप इधर पेरियर नेशनल पार्क है नीचे राइट वायानाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऊपर इधर देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट आना चाहिए फिर उसके बाद ये कहाँ सिचुएटेड है करण देवन हिल्स इट इज़ ऑल्सो द लैंड ऑफ नीला कुरुजी द फ्लावर जो कि ब्लूम करता है वंस इन ट्वेल्व ईयर्स बारह साल में एक बार राइट अनाईमुडी पीक इज सिचुएटेड ऑन दर्दर्न साइड ऑफ दी पार्क द मेजर पार्क पार्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड विद रोलिंग ग्रास लैंड लेकिन देर आर सेवरल पैचेज ऑफ शोला फॉरेस्ट ऑल्सो नीलगिरी था टाइगर लेपर लंगूर स्लॉथ बियर वाइल्ड डॉग ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर देखने को मिलेंगे एंड ऑल यू नीटेड वेज अगर ये सेशन अच्छा लगता है गाइज तो इसको लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो प्लीज़ करा करो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड ट्राई टू इंटरेक्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट बाई गिविंग द आंसर्स इन द चैट सेक्शन राइट आई यूज टू रीड ऑल दी कॉमेंट जो आप सब मैंशन करते हो सो so इसी के साथ आई आर सो ककर साइनिंग ऑफ विल मीट यू टू विद अदर सेट ऑफ करंट अफेयर्स टिल देन टेक केयर एवरी वन गुड लक गुड विशेज हैप्पी लर्निंग